सुनू, मैं फल लेके आऊं। इन जीसस नेम स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। आमेन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। रोमियो 8, इंग्लिश में रोमन्स, यानी जो रोम की पत्री थी, रोम के कलीसिया की, पौलुस द्वारा लिखी गई, उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसको मैं बीच बीच से पढ़ूंगा। 5 में लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, अपनी बाइबल को उठाओ, एक अंगीकार करो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, जो मैं सुनूंगा फल लेके आऊंगा। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। आमीन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना ही हो सकता है। जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। अपने शरीर की ओर देख के बोलो, ओ शरीर, मैं तेरा कर्जाई नहीं हूं। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को, उसकी अभिलाषाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। यदि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। सब बोलो आमीन। 28 में लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। सब बोलो आमीन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। इसमें आपने एक लाइन ये पढ़ी थी कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, 11 आयत, अगर वो तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है वो जिलाएगा। और एक लाइन हमने ये पढ़ी थी इसमें कि यदि हम संतान हैं, लिखा अगर मसीह तुम में है, उसका आत्मा अगर तुम में बसता है तो ही तुम परमेश्वर की संतान हो। इसमें एक वायदा परमेश्वर का किया, उसने कहा अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मरोगे। शरीर यानी मूर्ति पूजा, व्यभिचार, पाप, गंदा देखना, लिखा वैर भाव, ईर्ष्या, निंदा, क्रोध, चुगली, माता पिता की आज्ञा ना मानना, लिखा अगर तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, और ना ही परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता है। जो शरीर की दशा में है वो प्रभु को खुश नहीं कर सकते। पर लिखा अगर प्रभु का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। अगर वो आत्मा तुम में बसता है
तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, अगर तुम में उसका आत्मा नहीं है तो तुम उसके जन नहीं हो। इसमें एक बात हमने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि यदि तुम संतान हो परमेश्वर की, संतान कैसे बन सकते हो अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा है तो। लिखा अगर तुम में परमेश्वर का आत्मा है तो तुम उसकी संतान हो, अगर तुम उसकी संतान हो तो तुम उसके वारिस भी हो। अगर तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, पर तुम्हें महिमा भी मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह को सताव के बाद लोग आज तक महिमा देते हैं। आपको ध्यान से यह वचन समझना है। उसने कहा अगर तुम परमेश्वर के जन हो तो इसकी निशानी यह है कि उसका आत्मा तुम में होगा। अगर उसका आत्मा लिखा तुम में होगा तो आगे क्या होगा, कहता तुम्हारी वो मरणहार देहों को जी उठाएगा। कहता अगर यीशु मसीह में परमेश्वर का आत्मा बसता था तो यीशु मसीह की जो मरण देह थी, जो कोड़े मार के क्रूस पर चढ़ा के मार दिया गया था, लिखा परमेश्वर की आत्मा ने उस शरीर को जीवन दिया था। लिखा अगर वही आत्मा तुम लोगों में बसे तो वो तुम्हारे इस बीमार शरीर को चंगा क्यों नहीं करेगा, वो तुम्हारे बीमार बिजनेस को चंगा क्यों नहीं करेगा, बीमार रिलेशनशिप जो तुम्हारी है वो उन्हें चंगा क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा मैं हर एक मुर्दा चीज को तुम्हारी जिंदगी में जीवन दे दूंगा, उसे जीवित कर दूंगा। तुम्हारा वो कैरियर हो, तुम्हारी लाइफ हो, तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारा फाइनेंस हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा तो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर एक चीज जिंदा हो जाएगी। अगर आप देखो ध्यान से, आज एक एक हस्बैंड जो है, एक वाइफ जो है, वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बात करे, ये बाहर क्यों देखता है, ये मेरे साथ मिलता क्यों नहीं, ये मेरे साथ घूमता क्यों नहीं, ये मुझ पर ध्यान। अगर परमेश्वर का आत्मा आप में बसे तो बाइबल कहती वो तुम्हारी रिलेशनशिप को तुम्हारे हस्बैंड के साथ जीवित कर देगा, तुम्हारे भाई के साथ जीवित कर देगा, तुम्हारी माँ के साथ जीवित कर देगा। फिर एक माँ को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बेटे से कि बेटा मेरे साथ बात किया करो, मुझे अपने घर में रखो, मुझे निकालो नहीं। लिखा अगर प्रभु का आत्मा तुम में बसेगा तो वो सारी चीजें तुम्हारे जो आसपास हैं, तुम्हारे शरीर समेत, वो उन्हें जिंदा कर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं जितने तुम्हें वायदे, जितनी प्रतिज्ञाएं और जितने वचन दूंगा वो तुम्हारे फायदे के लिए होंगे। परमेश्वर का फायदा नहीं है उसमें, तुम्हारा फायदा है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे। कैसे मरोगे? तुम ऐसे नहीं मरोगे जैसे लोग मरते हैं, हाँ, लेकिन तुम्हारी रिलेशनशिप घर में मरी हुई, तुम्हारा बिजनेस मरा हुआ है, फाइनेंस मरा हुआ है, शरीर एक तरह का मरा हुआ है, तरह तरह के दुख जकड़े हुए। परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पे मन लगाओगे तो मरोगे, क्योंकि अगर शरीर में मन लगाओगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम में बसेगा नहीं, अगर वो बसेगा नहीं तो जिलाएगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तुम उसकी आत्मा को ग्रहण कर लो और उसकी आत्मा के अनुसार चलो, अब जरूरी नहीं अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो उस आप में उसका आत्मा नहीं। अगर आप यीशु मसीह को जेन्युइनली प्रभु कहते हैं और यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आप में बसता है। इसका मतलब ये, आप में वो बसता है। इसीलिए शैतान आपको व्यभिचार में गिराने की कोशिश करते हैं। उसको मालूम है अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो मैं इसकी चीजों को मुर्दा नहीं कर पाऊंगा। अगर मसीह का आत्मा इसमें बसा रहा तो ये जीवित होती जाएगी, होता जाएगा, आने वाले दिनों में और बढ़ता जाएगा, फलवंत होता जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मृत्यु पाओगे, पर अगर शरीर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को और अभिलाषाओं को मारोगे तो जीवन पाओगे। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे घर में। वो जीवन कहां होगा? तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे कैरियर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे माता पिता में, तुम्हारे घर में, हर जगह तुम जीवन पाओगे अगर मेरा आत्मा तुम में बसेगा और तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की आत्मा को तुमने पा लिया, यानी तुम अगर जेन्युइनली बपतिस्मा ले चुके हो, यीशु मसीह को प्रभु कहते हो, उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, बाइबल के हर रूल को फॉलो करते हो, तो उसने कहा तुम परमेश्वर की संतान बन जाते हो। तो उसने कहा अगर तुम परमेश्वर की संतान हो तो वारिस भी हो, हाँ या ना? उसकी प्रॉपर्टी के क्या हो? वारिस हो। यीशु मसीह की प्रॉपर्टी थी परसिक्यूशन, ये उसकी प्रॉपर्टी थी सताव। यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने हरे भरे को सताया तो तुम्हारे साथ वो क्यों नहीं ऐसा करेंगे, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया तो तुमसे वो व्यर्थ बैर क्यों नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी हमने मदद की है और उन्होंने हमारा विरोध किया, व्यर्थ बैर किया, बाइबल कहती।
अगर ये वचन पूरा नहीं होया आपकी लाइफ में हुआ, तो इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। अगर लोगों ने आपको सताया है, इसका मतलब उसका आत्मा आप में बसता है, आपके अंदर रहता है वो। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा अगर वो तुम्हारे अंदर बसता है, अगर लोगों ने तुम्हें सताया है, तुम्हें कलेश दिया है, तो परमेश्वर ने कहा मेरी एक और प्रॉपर्टी भी है जो महिमा है। अगर तुम्हें कलेश मिला तो महिमा भी मिलेगी, मैं तुम्हें ऊंचा भी करूंगा तुम्हें। ओह, आपका आमीन अगर ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है। उसने कहा यदि तुम संतान हो तो वारिस भी हो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। संगी वारिस का मतलब 50-50 नहीं, संगी वारिस का मतलब परमेश्वर और मैं एक चीज के इकट्ठे मालिक हैं। यीशु मसीह और मैं इस माइक के इकट्ठे मालिक हैं। यीशु मसीह भी इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब मेरा दिल करे मैं भी इस माइक को कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। आपके पास जो बैग है वो यीशु मसीह भी उसका मालिक है, आप भी उसके मालिक हैं। जो यीशु मसीह का है वो मेरा है, जो मेरा वो यीशु मसीह का। अगर कहता, अगर अगर कहता उसका आत्मा अगर तुम में बसता है तो तुम उसके वारिस हो, संगी वारिस हो। अगर तुमने दुख उठाया तो उसके साथ तुम महिमा भी पाओगे, तुम्हारी इज्जत दूसरों से ज्यादा होगी, लोग तुमसे ज्यादा प्यार भी करेंगे। अगर 10 लोग तुमसे नफरत करते हैं तो 10 करोड़ लोग तुमसे प्यार करने वाले भी होंगे। ये सब वायदे परमेश्वर